सफेद कद्दू का जूस, जूस तो बहुत सुने हैं, अनार का मिक्स जूस, मौसमी जूस, पपीता, सेब, ये पहली बार सफेद कद्दू का जूस देख रहे हैं। इस कद्दू की मिठाई तो सबने खाई होगी और बहुत शौक से लोग खाते हैं। क्या है ये, कौन सा जूस है डॉक्टर साहब? ये सफेद कद्दू आपको मार्केट में मिलता है। आज उसका हम जूस बनाने की विधि और रेसिपी पूरी बताने जा रहे हैं और साथ में उसके बेनिफिट्स। ये वही नहीं है जिसका पेठा बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है जिसका पेठा बनाया जाता है, जिसको आप बड़े हंस के हर त्योहार पे जा व्रत में अच्छा खाते हैं। अंकल, अभी आप बता रहे थे कि इसका बहुत फायदा मिलता है मेमोरी को शार्प करने में, वो कैसे मिलता है? वो इसका जो जूस है, तकरीबन 1 लीटर जूस में अगर 50 ग्राम मुलट्ठी डाल के रात को भिगो के रख के, वो जो पानी होगा उसको 1 किलो या 1 लीटर घी में, देसी घी में, गाय का जो घी हो उसको पूरी तरह गड़का लें, और जब बिल्कुल पानी उसका ख़त्म हो जाए उस घी को रोज़ बच्चे को 1 चम्मच दूध के साथ, गर्म दूध के साथ अगर देते हैं तो उसकी मेमोरी जो है बहुत ही शार्प हो अच्छा, जाएगी। ये पक्का है, गारंटेड है। बल्कि पर्टिकुलरली हम ये कहेंगे भी एग्ज़ाम से अगर 1 महीने पहले ही एक्सरसाइज कर लें तो बच्चा पास क्या, मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छे मतलब डिवीजन में अपने पास हो सकता है, वो नंबर ले जा सकता है। बहुत जबरदस्त। इसके और क्या फायदे हैं डॉक्टर साहब? आप हमें नीचे कुछ और फायदे बता रहे थे इसके। इसके फायदे हैं, ये अल्कलाइन होता है नेचर में, जिसकी वजह से एसिडिटी ठीक हो जाती है। सुबह उठ के अगर आप इसका खाली पेट सेवन करें तो इससे बहुत सारे रोगों से निवृत्ति मिल सकती है, जिससे एसिडिटी के कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और पेट में गैस कम बनेगी। साथ के साथ जिन लोगों को दर्दें भी रहती हैं उनकी दर्दें धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगी। अंकल, इसका आप इसका प्रभाव सेवन कितने समय से कर रहे हैं इस जूस का? मैं तकरीबन पहले जो मैंने वो बताया था वो तो मैंने तकरीबन 12 साल पहले किया था और वो बहुत मेरे को उसके रिजल्ट अच्छे निकले। ये तकरीबन 1.5 महीने से कर रहा हूँ। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है भी बाकी चीज़ कर रहा है, इसमें वेट लॉस की सिस्टम भी रहता है अगर अर्ली मॉर्निंग इसे लिया जाए, पर्टिकुलरली 15 दिन में लिया जाए तो भी आप देखेंगे उसमें वेट लॉस होगा, वेट लॉस होता है? वेट लॉस होता है। अच्छा, लेकिन ये भी है कि ये पी के 12 बजे तक आपने कुछ नहीं लेना इसको मतलब एज अ ब्रेकफास्ट है, मील। एज ब्रेकफास्ट मील, लेकिन 12 बजे तक नहीं, और कुछ नहीं लेना। ये नहीं अभी ये लिया 1 घंटे के बाद कुछ और आपने नाश्ता कर लिया या वो है, तो फिर इसका ये ना काम नहीं अर्ली मॉर्निंग करेगा, है जी, फिर वो काम वो नहीं काम करेगा। कम करेगा, करेगा लेकिन कम इनका करेगा। कहने का ये तात्पर्य है कि हमें 2 ही मील खाने हैं, जिन्होंने वेट लॉस करना है 2 ही मील कर देंगे, स्पेशली 2 मील, एक 12 बजे एक 5। इसका जूस पिए 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। जो लोग जल्दी उठते हैं वो 8 बजे इसका सेवन कर ले, 10 बजे नाश्ता कर ले, इस तरह से हो सकता है। अगर आप 2 मील पे जाते हैं तो डेफिनेटली, स्पेशली हमें ये देखना है कि डिनर जो है हम जल्दी से जल्दी करें, और सूर्यास्त से पहले करने का विधान है। सूर्यास्त से डिनर पहले करेंगे तो उसके अलग से बेनिफिट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, आपकी एसिडिटी पनपना बंद हो जाएगी। डॉक्टर लोगों की जो बैकएक रहती है, लोअर बैकएक, सुबह उठते ही जाती है, वो ठीक हो ये जाएगी। तो कहते हैं ना, 100 दुखों की एक दवा साबित होता है, ये इसको सही कह सकते हैं अंकल, 100 दुखों की एक दवा? 100 दुखों की एक दवा तो मैं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक, क्योंकि मेमोरी का जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है आजकल के समय में। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ब्राइट हो, इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हो, ब्राइट हो पढ़ने में। और आप जैसे मोटापा कह रहे हैं, मोटापा ही मोटापा तो 100% है ये फर्क देगा, और मोटापा ही शुगर और बीपी लेके आता है। ये नहीं मैं कह सकता भी मोटापा शुगर लेके आता है, कई दफा देखे हैं डॉक्टर छोटे साहब, ये बच्चे भी हो बताओ जो कि जो बच्चों की मेमोरी आजकल वो कम क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही क्या है, रीजन क्या है? रीजन है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन, स्ट्रेस बच्चों के ऊपर रहता है, पढ़ाई का स्ट्रेस। पहले हम क्या करते थे, देखिए सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस, मानसिक तनाव जो बच्चों के ऊपर रहता है, कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से और कुछ हमारी तरफ से भी तनाव दिया जाता है, हम कंपैरिजन करते हैं, देख वो बच्चा आगे निकल गया, तू पीछे रह गया, उससे एक बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा पैदा होता है। और अच्छी चीज़ जो है, जो कि बच्चे में होनी चाहिए, कि कंपटीशन की भावना, और मुझे अच्छा करना है, कोई अच्छा करे ना करे, ठीक है, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, कोई अच्छा करे ना करे, और मेरे को समझ के चीज़ करनी है, क्रैमिंग ना करना। मैं तो कहूंगा कि क्रैम करके हम अच्छी पोजीशन ले भी लें उसका कोई फायदा नहीं है, हमें समझ के
हर टॉपिक को दिमाग में बिठा के चलना चाहिए, और वो दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए इसका जूस बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। जूस की एक बार विधि बता दीजिए। जूस को हमने, आपने देखा ही है कि हमने पहले इसका छिलका उतार लिया, फिर इसके बीच में से जो बीज है वो निकालने हैं, और ये छोटे 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 टुकड़े हमने कर लिए हैं। उसके बाद आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, इसको सीधा लेके कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करके इसको कपड़े में डाल के अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, जिससे कि इसका बहुत ही बेहतरीन जूस आपको मिल जाएगा। तो विधि शुरू हो गई है डॉक्टर साहब। ये देखिए, हमने उसके छोटे छोटे पीसेस जो निकाले थे उसको मिक्सी में डाल रहे हैं। ध्यान रखिए कि कोई बीज ना जाने पाए, बीज जाने से कड़प्पन आएगा और साथ में हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। अभी सिर्फ ये बीज के बिना हमने वो डाली है, उसके बाद आगे नेक्स्ट दिखाएंगे। और अब उसके बाद मिक्सी में ऐसे ग्राइंड करना है। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ग्राइंड करने में दिक्कत आएगी, तो आप इसमें हल्का सा 1 चम्मच 2 चम्मच पानी भी मिला सकते हैं। उसके बाद थोड़ा हिला हिला के ग्राइंड करना पड़ेगा आपको। अब मिक्सी से इसको निकाल लीजिए, निकाल के देख लीजिए। हमने एक कॉटन का कपड़ा रखा है, कॉटन के कपड़े में इसको ड्रेन आउट कर लें, और अच्छी तरह से निकालने के बाद फिर नेक्स्ट। अब इसको स्ट्रेन आउट कर लें एक कांच के गिलास में डाल के। इसको खाली पेट अगर आप पिए तो डेफिनेटली